एक और इंदौर साइबर सेल पुलिस लगातार धोखाधड़ी और फ्रॉड से बचाव करने के लिए शहर में जनता को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर साइबर क्राइम करने वाले ठग रोज नए नए तरीके अपनाकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां ऑनलाइन इंश्योरेंस कर्मचारी वन लाइफ इंश्योरेंस कराने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। दरअसल मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र के रेसकोर्स रोड पर रहने वाली फरियादी महिला पूजा बाहवा द्वारा शिकायत की गई थी। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा संपर्क किया गया था और प्रबंध देकर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी, जिस पर उसने झांसा देकर स्कीम बताकर उनके अकाउंट से 92,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। फरियादी की शिकायत पर मामले की जाँच कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। वही मोबाइल नंबर आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। ये आवेदिका पूजा पहुआ पिता पति कमल पहुआ द्वारा एक शिकायत की गई थी। शिकायत में उनके द्वारा बताया गया था कि मेरे से पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी भरवाने के नाम पर एक फ्रॉड हुआ है। उसके संबंध में आवेदन दिया था, जिसको अपराध शाखा द्वारा जाँच की गई थी। उन आधारों पर फिर यहाँ पर FIR की गई है। उनको बताया गया था कि लॉकडाउन में उनको पॉलिसी में 10% की छूट मिलेगी और आप पॉलिसी के पैसे भर दीजिए, तो उनके द्वारा एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। 92,000 रुपये का मामला है। ये सब अभी जांच में चल रहा है, विवेचना में चीजें खुलासा होगी। फरियादी पूजा पहुआ रेस कोर्स रोड इंदौर। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।